हेलो दोस्तों, सनत ठाकुर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और धमाकेबाज इसलिए, धमाकेदार इसलिए क्योंकि किसी एक दोस्त ने पूछा था कि सर, मैं प्लॉट में डील करता हूँ, बहुत लोग आते हैं खरीदने, देखते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन डील क्लोज नहीं कर पाता। कुछ ऐसा बताओ कि सारी डील ही क्लोज हो जाए, कोई बचे ही नहीं, जो आए सब लेके जाए। तो दोस्त ऐसा है, चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर ठीक है, आप जरूर आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। सेल लाइन में 100% नहीं होता कि यार सारे आए आपसे खरीद लें, ठीक है, पर आप ये कुछ टिप्स हैं, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। तो क्यों हम इंतजार करें, शुरू कर दें। अब मैं इसको ब्रोकर के हिसाब से नहीं बताऊंगा, मैं बायर के हिसाब से बन के बताऊंगा, क्योंकि ब्रोकर के लिए इसमें कम स्कोप है बताने के लिए, बट ऐसा कर सकते हैं। अब ब्रोकर इसमें से क्या लेना चाहे ले सकता है। तो अगर मैं बायर हूं और घर खरीदना है, तो पहली चीज है भैया, घर मुझे कितना भी पसंद आ जाए, ऐसा हो कि अभी खरीद लूं, पर ऐसा दिखाने का नहीं कि आप बहुत ईगर हो। हेलो, आपको बहुत पसंद है, आप खरीदना चाहते हो, बहुत डेस्परेट हो। सेम सेलर का अलग बताऊंगा, पर आज मैं बायर के लिए नेगोशिएट के ऊपर कैसे टोटल एक्टिंग मारने का, बिल्कुल जैसे क्या लेना ही नहीं है। ऐसा बोलते हैं, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, मतलब देखूं इधर और बात आपसे करूं और देखूं उधर, ऐसा कुछ। पसंद तो है लेकिन दिखाना नहीं है उसको। अगर आपने दिखाया कि आपको बहुत पसंद आ गया, आप बहुत इंटरेस्टेड हो, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ में आ गई, तब तो भैया ज्यादा पैसे में बिकेगा वो घर। तो अगर मैं जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं अभी एक अपनी छोटी सी ऐसे दो दिन पहले की बात बताता हूं, ये प्रॉपर्टी की बात नहीं है, बट मुझे ऐसे ही, मेरा जो ऑफिस है वो ग्राउंड फ्लोर पर है, तो सामने गार्डन है, तो मुझे लगा कुछ ऐसा गार्डन का फर्नीचर डालना चाहिए, वेटिंग में आए या मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है नेचर, बैठा हूँ, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो गार्डन फर्नीचर खरीदने गया। तो गए, अब गए तो वहाँ ऐसे दिखाया कि जैसे मेरे को लेना देना कुछ नहीं है, जाते जाते क्या है चलो देख लें, जबकि मुझे एकदम एक्यूरेट पता था मुझे लेना है, किस बजट में लेना है, मेरी जरूरत थी, बारिश आ रही है, मेरे को बैठना है, माहौल देखना है, मस्त कभी कभी पार्टी शार्टी भी करनी है शाम को, मकसद तो ये था। पर मैं गया ऐसे कि कुछ काम नहीं था, बस आ गए। अब और फिर क्या, मुझे लेना क्लियर है कि मुझे क्या लेना है, कि 3+1+ मतलब 3-seater सोफा जैसे उनका आयरन का था ये जो चेयर है, मैं चाहिए तो मैं फोटोग्राफर जो है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फोटो डाल दें ये वीडियो में इफ पॉसिबल। और सेंटर टेबल दो, दो चेयर और मुझे वो रॉकिंग चेयर ऐसे ऐसे करते ना, किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को लिखा भी, सर वीडियो तो अच्छा था, आप हिलते बहुत हो। भैया मैं क्या करूं, मैं कभी ऐसे बैठ के भी बोला था मैंने एक वीडियो में, तो एक ने बोल दिया भैया वीडियो बड़ा अच्छा है लेकिन आप एकदम स्टैचू बन के क्यों बोलते, तो अब हिलने लगा, तो हिलने लगे यार, अब क्या करूं, अभी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने मैंने कहा जैसे भी ये बना दो। तो अब गया वहां पे, तो कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसे इसका पूछा उसका पूछा, जबकि टारगेट क्लियर है, लेना क्या है पता है, लेकिन मैं पूछ क्या रहा हूं, ये बेड कितने में मिलेगा, ये डाइनिंग टेबल कितने में मिलेगा। लिटरली मैं आपको सही बातें बता रहा हूं कि निगोशिएट कैसे किया मैंने, बाजी कैसे मारी, और उसको भी पता नहीं लगा, उसको भी लगा ऐसे ही है, भूले बिसरे गीत, देखो कुछ लेते हैं क्या, अनमने ढंग से ही, वो जो सेल्स लेडी थी एक्चुअल में वो अपना जो भी है ठीक है इतना ही बता रही थी, मूड एकदम सेट था बॉस अपने को जो लेना था। फिर आया, अच्छा ये कितने में रहेगा, 55,000 मुझे बताया गया, रॉकिंग चेयर 10,000 की थी और 45,000 का ये सेट था, जो सेंटर टेबल एक और दो चेयर और एक सोफा टाइप का, 45,000 10,000। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये कितने का है, वो कितने का है, तीन चार पूछा, मुझे पता था मैंने क्या लेना है, समझ गए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला स्टेप यहां पे स्टोरी के साथ साथ बताऊंगा कि बी क्लियर इन योर माइंड कि क्या आप लेने वाले हो और कितने में लेने वाले हो, आपका बजट आपको पता है, आपको क्या मतलब, मैं हमेशा कहता हूं कि आप घर खरीदने जा रहे हैं तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए, एरिया कितना, टू हो थ्री हो, कितना स्क्वायर फीट हो, लोकेशन एरिया कितना है वो पता होना चाहिए, बजट पता होना चाहिए, ये तीन चीजें पता है तो क्लियरिटी है आपके पास। तो पहले क्लियरिटी थी मेरे पास, लेना कितना है इतना है,
अच्छा चलो ठीक है, अब ये घूमे फिरे, फिर चालू कर दिया मैंने, याद रखो बॉस मैं सेलिंग फील्ड में हूँ अभी। धरती पे आज तक सनत ठाकुर जब भी जाता, सोचो जो सिखाता है सेलिंग टेक्निक और ये, वो खरीदना जाता होता तो सेल्समैन के कैसे पसीने निकालता होगा। मैं बहुत ही मतलब इतना ऐसा आदमी हूं कि कोई सेल्समैन नहीं चाहेगा कि ऐसा क्लाइंट आए। निगोशिएट मतलब पूरा उसको एकदम निचोड़ लेना है मेरा काम। कई कई बार इमोशनल डिसीजन ले लेता हूं, अदरवाइज तो भाई मेरे को बेचना बहुत मुश्किल होता है और मैं एंजॉय करता हूं उसको, यू नो। तो भैया पहुंच गए, और हाँ तो मैं बताने ही वाला था इस बीच में कि मैं हमेशा डिस्काउंट, मुझे कुछ भी दिखा दो। देखा कितने का, हाउ मच डिस्काउंट, ये मेरा वर्ड रहता ही है। ऐसा कभी हुआ ही, आप बोलते हो मॉल में जाते हैं ये करते हैं, बॉस अभी मैं मॉल के नीचे करता ही नहीं शॉपिंग। पहली बात, कोई भी चीज मेरा एकदम सबसे बेस्ट वहां का मैं बोलता हूं। मैं आपको ऐसे नहीं कि अपने बारे में तारीफ कर रहा हूं, मैं जहां भी जाता हूं मेरा पहला काम है कि सबसे महंगा क्या है दिखाओ, सबसे बेस्ट क्या है दिखाओ। अब वहां से स्टोरी शुरू होती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कितना डिस्काउंट, नहीं नो सॉरी अभी कोई सीजन सेल नहीं है, अभी डिस्काउंट नहीं है, ऑफर नहीं होता, ओके थैंक यू। पर फिर मैं क्या करता हूँ, वो मॉल की बात को करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, हम आते हैं वो फर्नीचर वाले के साथ क्या किया, मैंने बोला कितना डिस्काउंट है इस पे, नहीं सर डिस्काउंट तो रहता नहीं है, पर आप देख लो पसंद कौन सा है सर, आप बोलो ना आपका क्लियर क्या है, क्योंकि आप बेड भी पूछ रहे हो सोफा भी पूछ रहे हो। मैं बोला कुछ नहीं, मैं आया हूँ घूमने आया था, देख लिया थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, अगर मिल गया काम को तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो आया कोई और काम से हूँ। और थोड़ा ऐसे ही टाइम मेरे पास बचा था, मैंने कहा तो उसको लगा कि ये है नहीं तो ऐसे ही जेन्यून है तो ऑटोमेटिक बहुत पूरा माहौल करके बताएंगे, तो उनको लगा तो ऐसे ही थोड़ा ठीक ठाक ही बताओ। उन्होंने बोला 5,000 कम कर देंगे और तो क्या है। बोला अच्छा 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 चलो ठीक है। तो मैंने कहा आपका सेल डिस्काउंट नहीं रहता, वो देखो सब लोग तो ये लगाते हैं 40-50%, आपका नहीं लगाओगे तो कैसे होगा, तो मैं उसका लूंगा ना 50% वाले का, थोड़ा सा मैं बुद्धू भी बन जाता हूँ जबकि पता सब कुछ है कहाँ क्या हो रहा है, इसकी वर्थ मेरे को पता है कि ये चीज मैंने ऑनलाइन भी देखा है। मतलब अगर फर्नीचर की बात करें तो पेपर फ्राई पे गया था मैं, अर्बन लैडर पे गया था मैं, जितनी ऑनलाइन अमेजोन पे तो जिंदाबाद है ही अपना। दूसरी चीज नेगोशिएशन, मैं बिना ऑनलाइन प्राइस चेक किए कोई चीज नहीं खरीदता बॉस आज के डेट में, कोई कुछ भी दे दे। मेरे को अभी इन्वर्टर लेना था, ये इतनी बैटरी लगेगी, टक 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 टक, अमेजोन सबसे सस्ता रहता ही है अक्सर। और मैं बोलता हूँ ये देखो ये तो मिल ही रहा, तो वो लोग बोलते हैं अरे ये ऑनलाइन है क्या मिलेगा, तो मैं बोलता भाई रिफंड पॉलिसी है, देना है तो दे, नहीं तो मैं ऑर्डर करता हूँ, मेरे को कोई गाई नहीं, भले मेरे को आज ही गाई है, हकीकत तो ये है, पर मैं ऐसे दिखाता हूँ कि भाई देख लो जमता है तो करो, नहीं तो चला मैं, वो आते ही हैं पीछे और चले जाता हूँ एकदम छोड़ के, वो बाद में फिर वापस सोफा पे आते हैं। मेरा ना आज केला बहुत खाया, सटक रहा हूँ इधर उधर आ जाते हैं फर्नीचर। अब क्या सोचो मैंने कितने में लिया होगा फिर ये चीज को, ये लास्ट प्राइस थी 45 उसकी, सॉरी 55 बोला था 5,000 कम करेंगे, 45 एक का था 10 की चेयर थी, मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, 55 का चीज था, बोला 5,000 कम करेंगे 50,000 में देना है, क्या ऑफर दिया होगा मैंने। मेरे भाई आप लोग बोलोगे आप ना सर 25,000, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, 25,000 में ये सब मांगा, और वो भी स्टाइल से, ऐसे नहीं कि मैं ऐसे डरते सुनो ऐसे, तो मैं थोड़ा सा ऑफर थोड़ा कम देने जा रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या आप 25 का दे दोगे। मैंने बोला देखो ये देख लिया मैं, वैसे मैं तो ऐसे ही आया था, अगर जमता है तो 25 में ये सब दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं मैं तो ऐसे ही आया था। अरे नहीं नहीं सर ये कोई बात है कि आप ठीक से बात करो, रीजनेबल रहो ऐसे से। मैंने रीजनेबल मतलब मेरे को तो नहीं लगता, ये 50,000 का तो बिल्कुल नहीं लगता, तो आप कहाँ रीजनेबल हो। वे नहीं मैं कम करूँगा, थोड़ा और कम करूँगी आपका, देखो मैंने बोला आप लास्ट बताओ, चलो मेरा ये पूरा स्टाइल बता रहा हूँ, लास्ट कितने में है जमा तो नहीं तो बस जाते, मैं वैसे भी लेना नहीं था, मैंने देखा आप भी इतना देर से खड़े हो बता रहे हो, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, चलो कुछ कर देंगे, बट मेरा काम दूसरा है, मैं तो ऐसे ही ले रहा हूँ, आप सोचो ना खाली पॉकेट का मेरा जा रहा है 25, ऐसे दिखा रहा हूँ जैसे एहसान कर रहा हूँ, हेलो
कि खाली पॉकेट का 25,000 है, मैं तो लेने कुछ और आया था ऐसे, और मेरे साथ कोई और रहा तो वो और भी एक्टिंग मारते हैं, वो भी ऐसे दिखाते हैं छोड़ो ना काय को खर्च कर रहे हो, अब जरूरत है कि अपने पास घर में सोफा ही सोफा पड़े, ये वो गार्डन में अपन झूला लगाएंगे, ऐसे वो ऊपर से कुड़कुड़ी सब एक्टिंग रहती है। तो बस अब आगे क्या हुआ, तो उसने क्या किया और 5,000 कम कर दिया, 45 में कर देते हैं सर, 50 की जगह 45 में। मैं बोला अभी देखो आपका टाइम इतना लिया, और मैं ये सब में ना एक डेढ़ घंटा गलाता हूँ सामने वाले का, उसको लगता है यार आपने इतना इन्वेस्ट किया, और पूरे जितने उसके शोरूम में थे हर एक चीज को, ये वाला कितने में, ये वाला कितने में, ये वाला कितने में, उसको कुछ समझे नहीं, सबकी इंक्वायरी निकाली, सब ये करके जितना आप टाइम कमाओगे तो उसको लगता है आप तो बेचू इसको, ये साइकिल ही रहती है। बहुत ज्यादा जब आप उसको तंग कर लेते हैं, जैसे साड़ी देखने गई, एक ही देखा और प्राइस कम बताया, उसने बोला 5,000, आपने बोला 2,000, वो बोलेगा जाओ और चला है। पर तुम क्या करो, पूरी साड़ी निकालते बैठो शोरूम की, जैसे कि 50 खरीदनी है, खरीदना भले एक है, अगर 2-2.5 घंटे उसने खरीदे पैक किए फिर आप ऑफर दोगे एक का, तो बोलेगा यार इसने बहुत मेहनत कराई है, इसको तो अभी दे ही देना चाहिए। ऐसा होता है, पता है आदमी सोचता है कि आप बदला ही ले लेते, इसको बेच के ही रहते हैं, पता नहीं हर केस में होता हूं, पर मैं ऐसे करता हूं, बहुत चीजें देखता हूं। अच्छा तो क्या हुआ होगा, उसने क्या किया 45,000। मैंने कहा कि देखो 45,000 आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा है, और मुझे भी लग रहा है कि चीज आपकी बहुत अच्छी है, मैंने भी चेक किया है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, चलो फाइनल 30,000 में देना है, खत्म करो बस, मैं 5,000 आपके लिए ज्यादा दे रहा हूँ, मेरे को लेना नहीं देना नहीं, और 30,000 में मैं छोड़ के चला गया। 30,000 में जब छोड़ के जाने लगा, बोले कि देखो ना कुछ करो, 40 करो सर, अभी ये नहीं जमता, मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारा भी देखो इसका तो भाड़ा इतना है, ये है होम डिलीवरी है, क्या है फलाना है डेमका है, बहुत स्टोरी हुई। मैंने कहा कि देखो आप सही बोल रहे हो, लेकिन मेरी जरूरत नहीं है ना, जरूरत होता तो मैं आपको 100% 40 देता, मैं उसके हाँ में हाँ भी मिला लेता हूँ कि आपकी चीज भी अच्छी है और आप जो बोल रहे हो सब है, लेकिन अगर मेरे को जरूरत होती लेना होता, मैं तो ऐसे ही आया था, जरूरत नहीं है, ये मेरा पूरा 30,000 समझो ऐसे ही जा रहा है, आपको लगता है तो कर लो धंधा, नहीं तो कोई बात नहीं है, और जरूरत होती तो मैं 40 बनता इसको। वो बंदी आ गई 35 पे आ गई कि भाई 35 में कर डालो काम खत्म करो, और मैंने एक मन हुआ कि 35 तो यार ठीक है, वर्थ है इसका, 35 बनता है। अब मैंने 35 में उसको थोड़ा सा इशारा भी दे दिया कि हाँ ले लेंगे 35 में, और 35 में वो एग्री हो गई, तो मुझे लगा सनत गुंजाइश रह गई थी यार, ये परेशान उतना नहीं हुआ, या बेचने वाली बंदी इतना नहीं हुई जितना होना चाहिए, ये तो लगता है कमा लिया इसने। मैंने बोला 35, लेकिन फिर अपना पार्टनर जो था मैंने उसको बोला कि यार 35 ले ले यार, ले लिया जाए, वो तो था ही अपना जोड़ीदार, तो उसने बोला कि यार जरूरत नहीं है, ये क्यों ले रहे हो ऐसे, चलो देख के आते हैं पहले, बाकी का जो जरूरी काम है कर लो फिर सोचेंगे, और उस बहाने में निकल दिया। मैंने बोला 30 दो अभी का, अभी पूरा डाउन पेमेंट, और पेमेंट का डोज हमेशा देता हूँ अभी, वन शॉर्ट पेमेंट, 2 मिनट में अकाउंट नंबर दो ट्रांसफर, कि उसको एकदम दिखा दे ऐसे, ये देखो रखा है 30,000 एकदम झटके में। अब 30,000 में उसको परवड़ता ही नहीं था, और मैं डील छोड़ के आ जाता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखने का, मुझे चीज पसंद थी, मुझे 40 पे भी मैं ले सकता था, अगर पेशेंस पोस्चर याद रखो, ये 2 P याद रखो, 2 TP याद रखो, जो जितना पेशेंस रखेगा जल्दी अपना खोलेगा नहीं, और जरा आराम से दिखाएगा, और पोस्चर रखेगा परहन की मेरे को गरज नहीं है बॉस। अब मैं छोड़ के आ गया, उसने बोला देखो मैं 9 बजे तक वेट करूंगी, 9 बजे तक चालू रहता है, मैं घर आ गया, चलो जान दो। फिर दूसरे दिन मन तो आ ही गया था यार, बंदा अपने को चाहिए यार, वो मस्त चीज थी, मजबूत भी थी, टिकाऊ भी थी, सब कुछ है, लेंगे। क्या किया, खुद नहीं फोन कराया कि फोन करो, बोलो 32 में देते हो क्या, हम लोग आ गए थे उस दिन एक्चुअल में, इसलिए आ गए थे कि हमारा साइज पता नहीं था, अचानक आए थे, आज साइज ले लिया, साइज के हिसाब से ओके बैठ रहा है, 32 में करते हो क्या। तो 32 में बात बहुत देर तक की, वो जब ज्यादा जो बात करेगा ना, समझो उसको ज्यादा गरज है, या उसको ज्यादा बेचना है, जैसे मैं कभी बात करूंगा देखो 32 में देना नहीं दे सर ऐसे कर, अच्छा ठीक है तुम्हारा नहीं जमता तो रहने दो ना, काय को तकलीफ, तुम भी काय को परेशान, रख देता हूं। अगर मैं ऐसा पोस्चर रखता हूँ ना तो वो पीछे आते हैं, पर मैं बोलूंगा देखो ना 32 में
ये था कितना देखा, एक आदमी के लिए कर लो ना, हम आपसे, लोग ये टेक्निक यूज करते हैं, हम आपसे और खरीदेंगे, हमारे बहुत दोस्त लोग हैं जो ऐसे ही खरीदने वाले हैं, जितना तुम बोलते हो उसको लगता है भाई इसको ज्यादा जरूरत है। याद रखना मेरा ट्रांसमिशन कितना छोटा रहता है, कुछ सेकंड, 32 मेरा फाइनल है, उसके ऊपर मैं 10 रुपए भी नहीं देने वाला हूँ, ये बता रहा हूँ आपको। हाँ मेरे को जब जरूरत रहेगी मैं 45 में पर आ जाऊंगी, 32 मैं ट्राई करूंगी, ये वो नहीं हुआ डील। मैं बोला यार ये तो फुस कर दिया अपने को, फिर क्या, बीच में रखता ही हूँ ना एक सस्पेंशन कि कभी पलटी मारे। मैंने बोला था 10 रुपए का ऊपर का ऑफर नहीं दूंगा, फिर उसको बोला कॉल कर, बोल चल 33 में करते हैं, अपने मन से मैं दे रही हूँ 1000, दे रही हूँ दे रहा हूँ समझ लेना, 1000 मेरी तरफ से दे रहे हैं, तो खत्म करो अब बिना सर को बताए हम ऐसे कर रहे हैं। तो भाई फोन किया, नहीं नहीं, तो ऐसा था वो केस में कि 35,000 प्लस डिलीवरी चार्जेस लगते थे उनके, क्योंकि बहुत ऐसे निगोशिएट हुआ। तो जब मेरे को 35 देना था तो भाई मैंने बोला अभी बहुत खेल खेल दिया, उसको नहीं परवड़ रहा होगा और 1-2 हज़ार तो कमाने दो, मेरा अंदर से दिल भी बड़ा पसीज जाता है नारियल की तरह ऊपर से गड़क, मैंने देख लिया ना कि कितना कर सकते हैं एकदम रॉक बॉटम, तो समझ गया कि यार यहाँ गुंजाइश नहीं है, नहीं तो बंदा दिन भर 2 दिन का टाइम ले रहा हूँ मैं ये इतने से नेगोशिएशन किया फिर भी नहीं टूट रहा है तो कुछ तो है। फिर मैंने बोला देखो यार अभी एक बार मैं जबान देके पीछे जाता नहीं हूँ, मैंने बोला था लूंगा, पसंद किया आपने, मैंने दे दो आपके प्राइस में दे दो, खाली इतना है अभी, इस पे ना नहीं बोलना, मेरे घर पे आ जाना चाहिए सामान इतने में। और बोली डिलीवरी चार्जेस, मैंने बोला देखो आपके हिसाब से कर रहा हूँ, 35,000 एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट किया, आपने 35 बोला मैंने 35 दिया, जबकि 55 बोला था, ये तो लास्ट प्राइस है, आपके प्राइस पे कर रहा हूँ, 5,000 मैंने बढ़ाए, एक डिलीवरी की बात है, आप सोचो धंधा करना है तो लो नहीं तो नहीं। और उसके बाद मैं छोड़ भी देता हूँ, फिर मेरा अभी एक आता है कि बस सनत यार इतना तो बनता ही होगा उसका, 1000 तो कमा ही होंगे, ऐसा तो ज्यादा ही कम, पर उनका भी इतना बल्क में लाना बेचना परवड़ता कहाँ है यार, वो उठा के आदमी काम रख के देगा, मैंने दे दादा अभी फोटो मिलेंगे देख लेना क्या है। अच्छा अब ये पूरी डील को मैं रियल स्टेट से बता के क्लोज करता हूँ, टू द पॉइंट अभी जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए आप क्या प्राइस में लेना चाहते हो, क्या चीज लेना चाहते हो, क्लियर हो सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, उसको ये मत दिखाओ कि आपको जरूरत बहुत ज्यादा है, आप यही चीज देख रहे हो आपको पसंद आ गया, आप अपनी भावनाओं पे यू नो काबू रखिए, आप एक बेहतर एक्टिंग करिए, आप ऐसे दिखाइए मुझे तो जरूरत ही नहीं। मान लो आपने कोई घर देखा और घर का फर्नीचर तुम्हें बहुत अच्छा लगा इसलिए खरीदने जा रहे हो, तो मैं उल्टा कहूंगा कि मुझे ये फर्नीचर की तो जरूरत ही नहीं, मेरे घर का फर्नीचर मैं कहां रखूंगा, आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं। हेलो समझ रहे हो, जो चीज उसकी बेहतर लगी, जो उसका पावर था, जो स्ट्रेंथ था, मैंने उसी का उसका वीकनेस बना दिया, डबल एक गोली से 2-3 शिकार। जो जो अच्छा ही बताएगा, देखो मेरा तो ये व्यू है ये, अरे आपका ये व्यू है लेकिन मेरे तो छोटे बच्चे हैं, मेरे को तो डाउन वाला चाहिए था, वहां पे हमको आदत है, हम रोज बंगले में रहते थे, ग्राउंड का चाहिए। अगर वो ग्राउंड राउंड बोल रहा है कि ग्राउंड में नहीं बनते, ग्राउंड अच्छा हमको तो ये चाहिए ही नहीं, अंधेरा रहेगा आजू बाजू में कुछ दिखाई नहीं देगा, लाइट नहीं आएगी, हवा नहीं आएगा, हमको तो ऊपर का चाहिए था, लेकिन आपका ले रहे हैं। जो पसंद है उसके जो फीचर बता रहा है, जो जो अच्छा है, आपको पहले उसी को वीकनेस बनाना है। बोलेगा मैंने इतने में लिया था, ये किया था, जो भी है, तो आपको क्या करना है, बहुत ऐसा नहीं दिखाना जरूरत है तभी आप अच्छा, अगर दिखा दिए। इसलिए बहुत सारे जो वीक क्लाइंट रहते हैं, जो मेरे पास आते हैं डील के लिए और पसंद आ गया और मेरे को बता देते हैं दिल का राज, मैं बोलता हूं कंट्रोल, स्पेशल लेडीज लोग वो एकदम, आप समझ सकते हो कि वो एकदम तैयार है, उनको क्या है, पैसा तो हस्बैंड ने देना है, बहुत बार लेडीज भी कमाती हैं बट उनको तो चीज अच्छी चाहिए, पसंद है ना, ड्रीमर होती हैं वो लोग, आदमी को तो ऐसा, वो आदमी कभी कभी बहुत ऐसा रहता है डिफेंसिव कि नहीं ये जरूर दिखाता है वो, बट लेडीज का पता लग जाता है कि इनको पसंद है। मैं तो अपने बच्चों लोगों को बोला हूँ भाई हस्बैंड वाइफ आए ना, लेडीज क्या है उसके हाव पे, उसको पसंद है ना डील हो गई अपनी, बस वो सब बढ़ाएगा, फिर उसको सब पता है कहाँ हस्बैंड ने पैसे रखे हैं, कहाँ से निकालना है तो दिखाने का नहीं वहां पे, तो मैं खुद वो हैंडल करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ थोड़ा इसको कंट्रोल करो अपने, बहुत अच्छा लगा ये, मैं बोला अरे ऐसा बोल दिया ना और 5 लाख रेट बढ़ाएगा वो, ऐसा ही बैठने का, नहीं तो दोनों बांट लो एक एक रोल, एक बोलने का मेरे को ठीक लगा लेकिन यार वाइफ बोल रही मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, जबकि दोनों को अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ दोनों ऐसे ऐसे रोल प्ले करो,
किसको नहीं पसंद किसको पसंद ऐसे बन जाओ। बोले लेकिन ये तैयार ही नहीं हो रहे हैं, और उसमें नेगोशिएट करने का क्रक्स क्या है, कभी ना पता लगने दो आप उस चीज को चाहते हो। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो मैं पूरा बताऊंगा। तो अब ये होने के बाद थोड़ा सा आपको ये भी है कि भाई कुछ भी नहीं बोलने का। मैं हमेशा कहता हूं 99% जो भी डील होती है वो मार्केट प्राइस में होती है। बेचने वाला सोचता है कि मेरा ताजमहल है और मेरे को एकदम डबल रेट मिलने चाहिए। खरीदने वाला सोचता है कि ये तो कुछ भी नहीं, इसको आधे रेट में, मैं अकेला ही बायर घूम रहा हूं, बस अकेला ही हूं बस इस शहर में जिसके पास पड़े हुए पैसे और घर, नहीं तो घर खरीदता कौन है उसके हिसाब से। तो वो टाइट ही रहता है, चौड़ा होके चलता है, बायर की चाल ही अलग रहती है। और वो सोचता है कि इसलिए मेरे को 50% डिस्काउंट में ही चाहिए। दोनों भी सही है, हमको झेलना है, ब्रोकर को झेलना है, दोनों को पर मजे ले रहे हो, लेकिन झेलना नहीं है, मतलब सर्व करना है, मजा एंजॉय करना है उसको। तो कोशिश क्या करना, मैं बाहर के लिए जा रहा हूं कि भाई आपको रियलिस्टिक रहना है और 5 या 10% कम कोट करना है। मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी है, मार्केट प्राइस 50 लाख है, बंदे ने 75 बोला या 60 बोला होगा, जो भी है उसको भी थोड़ा सा वो बढ़ा के ही बोलता है 10%। आपको क्या करना है, 50 है ना, आप थोड़ा सा मार्केट के नीचे से स्टार्ट करो। तो मार्केट अगर मेरे को पता है 50 का और उसने 60 कोट किया है तो मेरे को 40 जाना है, पर अगर उसने 55 कोट किया है तो मेरे को 45 जाना है। समझ रहे हो, उसने कितना बढ़ाया, 10% बढ़ाया, 1 करोड़ को देता हूं राउंड फिंगर में, समझना 1 करोड़ उसकी मार्केट वैल्यू। कैसे आएगी भाई मार्केट वैल्यू, सबसे अच्छा सोर्स है लास्ट के 3-4 सौदे उस सोसाइटी में कितने में हुए, कोई सोर्स है तो पता लगा लो, नहीं तो फिर जितने भी ऑनलाइन पोर्टल है उसकी 8-10 प्रॉपर्टी को निकालो, एवरेज प्राइस करो उसकी, उससे 10% माइनस करो, आपको आ जाएगा। नहीं तो सारे के प्राइस ट्रेंड्स भी रहते हैं, उससे आ जाएगा। ऐसे कई तरीके हैं, ब्रोकर लोग भी डालते हैं, तो आप जो भी है सब लोग 10% बढ़ा के डाला हुआ है प्राइस, और सब नेगोशिएट होती है 10 से 15% तक खींचने का नीचे। तो वो कितना बढ़ा के डाल रहा है, डरने का नहीं कि ये तो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1.25 मांग रहा है, तो डरना नहीं कि नहीं देखूंगा, उसको ऑफर दो, क्योंकि उसका कोई बेचेगा ही नहीं, 1.25 में लेने वाला नहीं है, तो आप टिको। बहुत लोग 1.25 बोल रहा मत दिखाओ, मैं बोलता हूँ देख के लो, आप ऑफर 70 का दो ना, कोई मारता थोड़ी ना है ऑफर देने के लिए, आपको जो सही लगता है आप ऑफर दो, तो मैं उतना ही ऑफर दिलाता हूं, मैं बीच में आके फिर बोलता हूं कि इतने का ही ऑफर दो, ठीक है, समझ गए ना। 1 करोड़ की थी, उसने अगर 1.25 कोट किया है तो तुम भी 25% नीचे आके 75 का ऑफर दो उसको, उसको भी होश लगने दो, ठीक। अगर वो मेरे से बोलेगा, जैसे मैं बीच में हूं तो बोलेगा अरे यार ये ऑफर है, मेरे को क्यों फोन कर रहा है 75 के लिए, बिना मतलब ये वो मालूम है ना 1.25। मैं बोलता हूँ सर 1.25 भी कितना जेन्युइन है, आप चेक करो ना, बाहर भी आपके लिए ऐसा ही बोलता है 1.25 में है क्या, जाके चेक करो मार्केट में किसने बेचा है, कौन है, एक भी बता सकते हो क्या, तो आप भी रीजनेबल रहो ना सर, आप जैसा कर रहे हो उसने किया तो आपको गुस्सा आता है। बोलेगा कितना होना, कितना चाहिए रियलिस्टिक, मैं बोलूंगा देखो सर लास्ट इतने में गया था लास्ट 2-3, आप ऑनलाइन चेक, मैं सीधा बोलता हूँ गूगल करो सर, मेरी बात पे मत करो, जाके देखो 10 प्रॉपर्टी कितने की है, आपका क्या पर स्क्वायर फीट रेट है, वो खुद ही चेक करता है, बोलता है बंदा भी सही है, खुद का नहीं जेब, बोलता चेक करो आप, आपको सीरियसली बेचना है। और मैं तो बोलता हूँ आपका प्राइस इतना ज्यादा है, ये दिखा दिखा कि हम दूसरे बेच रहे हैं, सेम साइज का दूसरा 1.10 बोल रहा है, 1.25 बोल रहे हो, मैं सबको 1.10 वाला बेचता हूँ ना, बोलता हूँ ये देखो सेम प्रॉपर्टी 1.25 में आपको 1.10 में मिल रही है, 1.10 वाले बेच रहे हैं, आपका खाली फायदा उठा रहे दुनिया। और जो खरीदने वाला मैं बोलता हूँ एक तो बता जिसने इस रेट में लिया है, तो काहे को खाली पुकार टाइम खोटी, रीजनेबल रहना है, नहीं नहीं मेरा बजट इतना है, तो बजट वाली देखो ना, काहे को इसको देख रहे हो, फिर भी वो उसको भी आगे लाया जा सकता, पर मैं ऐसे पोस्चर रखता हूँ उससे, ऐसे नहीं कि उसको ही पटाऊं बड़ा दो ना सर प्लीज, वो नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ सर आप फेयर दो ना प्राइस, क्या है मेन, क्या है रियलिस्टिक रहने की जरूरत है, नहीं तो उसका इंटरेस्ट जाएगा और डिसअपॉइंट हो जाएगा, बोलेगा छोड़ यार कहाँ से क्लाइंट आ गया, किसको लाता है, रीजनेबल रहना चाहिए। उसके बाद कोशिश करो कि जानने की कि वो ये बेचने के लिए क्यों है, अगर ये पता लग गया तो आपके लिए जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये प्रॉपर्टी कब से है बेचने के लिए, उससे भी अगर इसको 6 महीना हो गया 1 साल हो गया खूब दबा के निगोशिएट होगा, पर अभी आइए 2-3 दिन है तो समझो चीज अच्छी है, और क्यों बेच क्यों रहा है उसको जानने की कोशिश करो, कुछ तो तकलीफ रहेगी,
ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो उससे बैठोगे वो पहली बार में ही पता लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर थोड़ा सा बातचीत करोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो उससे है, और मान लो कि अगर प्राइस में नहीं निगोशिएट कर पाते तो बहुत सारी और चीज रहती है जहां पे निगोशिएट करो। समझो फर्नीचर है तो बोलेगा फर्नीचर के साथ दे दो या फर्नीचर निकाल दो सर, ऐसे बहुत सारी और चीजें कर सकते हो, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं और दूसरी चीज का फेवर उससे ले सकते हो कि ठीक है, हो सकता है कि आप टाइम के लिए उसका फेवर ले लो कि ठीक है सर 1-2 लाख में गाड़ी फंसी है, तो बोलेगा ठीक है सर टाइम थोड़ा सा ऐसा दे दो चलेगा क्या, ऐसे बोल सकते हो। एनओसी के चार्ज आप देख लोगे चलेगा क्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और फायदा ले सकते हो। वो कर जरूर करेगा, एक चीज पे ही मत अटको, आपको दिमाग लगाना, ये केस टू केस अलग होगा। लेकिन मैं हमेशा रास्ता यही ढूंढता हूँ, जब एक जगह अटक जाते हैं ना, मान लो अभी कोई सौदा आया वो 33 में रुका हुआ है, ये 31 में रुका हुआ है, दोनों नहीं हिल रहे, मेरे को लगता है 32 में क्लोज होना चाहिए, तो मैं किसी को थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ, ठीक है सर अगर ऐसे करेंगे आप ये करके दे दोगे क्या, तो हो जाएगा आपका काम, बोलता है ठीक है। क्योंकि कभी कभी उनका ये आ जाता है यार बीच में, क्या ईगो स्टेटस कि नहीं वो नहीं आगे बढ़ रहा, मैं क्यों कम करूं, मैंने इतना कम किया। मैं बोलता हूँ चला ना सर खत्म करो, करके दे देते हैं इतना सा हो गया और क्या है। जैसे उसने बोला था कि यहाँ पे आप एक रूम और बना सकते हो, तो बोलने का कि आप वो करके ही दे दो ना, बना सकते हो बोल के बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्टमेंट की गुजारिश रहती है और निकल आता है रास्ता, ठीक है। तो नेगोशिएट करते वक्त यही 3-4 बातें बहुत ध्यान रखने की है कि आप एकदम दिखाओ मत कि आप बहुत पसंद आया है, और दूसरी चीज कि अगर उस वो चीज पे नहीं एग्री हो रहा तो बाकी चीजें कैसे आप प्लस माइनस कर सकते हो, तो उसमें आप मैनेज कर सकते हो। आप समझो बिल्डर से लेने गए तो थोड़ा सा उससे काम करा के दरवाजे अलग से विंडो निकाल के लेके पहले से ही वो काम करा के ले सकते हो। रिसेल में है तो फर्निश्ड है तो उसमें कुछ निगोशिएट करते आ सकता है। ऐसी जगह बनाओ और क्लियर रहो कि क्या इसका मार्केट प्राइस है, उसके लिए थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस से थोड़ा कम ऑफर देके चालू करो, क्योंकि एकदम मार्केट प्राइस है उतना दिया तब भी वो मानता नहीं है, और वो फिर इस तरह से डील हो जाएगी। ये कुछ था, पर मैं और आपके साथ ऐसे शेयर करते रहूँगा। और एक मैं सबसे फाइनल अपना जाते जाते दे रहा हूँ कि जो मैं अपनी ज़िंदगी में यूज़ करता हूँ, मैं कभी भी ऑफ़र देने से नहीं चूकता। लोग क्या करते हैं ऑफर ही नहीं देते, कितना मांग रहा है इतना, तो ऑफर नहीं, ऑफर दो भाई। वो 1 करोड़ बोल रहा है, आप 10 लाख बोलना है, 20 लाख बोलना है, 50 बोलना है, अगर आपको चांस की प्रॉपर्टी ढूंढनी है जस्ट ऑफर देते जाओ, जिसको जमेगा उससे बात करो, कोई सीरियस होगा किसी का क्या मूड होगा वो दे डालेगा, काम बन जाएगा। पर ऑफर मत रोको, ऑफर देने से सामने वाला भी खुश होता है, ऑफर आया तो है तो कोई लेने वाला। मेरा एक ही काम है, बोलते हैं प्रॉपर्टी फ्लिपिंग, कैसे इन्वेस्टमेंट से प्रॉपर्टी कमाए, तो कोई पेट तरीका नहीं। मैं जहां भी देखता हूँ फॉर सेल ये वो कोई भी आता है, मेरी एक प्रॉपर्टी बेचनी है, सबसे पहला खरीदार मैं होता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कितने का है, कहाँ पे, कितना गुंठा, कितना एकड़ क्या है, जो भी बोलता है मैं 50% का ऑफर दे डालता हूँ, जो भी बोलता है 50% का ऑफर दे डालता हूँ खाम खाम। अगर मैं नहीं भी लिया तो मुझे पता है 50% के बाद मैं किसको भी बेच सकता हूँ। पर आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बताया प्रॉपर्टी बेचना और मेरा ऑफर नहीं गया। तो ऑफर देते छूटने का, लोग देखते हैं बताते नहीं, ऑफर के लिए आते नहीं मीटिंग, क्योंकि वो डरते हैं कि मैं कहीं खरीद ना दूं। अरे कोई जबरदस्ती थोड़ी ना करेगा, जाओ प्रैक्टिस करो, 2-4 मीटिंग करो, आपका आप भी घात बन जाओगे थोड़ी दिन बाद कि कैसे करना नहीं, कुछ डरने का ही नहीं। वो कितना भी बोले अपना प्रॉपर्टी ये ठीक है ना, मेरे को कोई कितना भी बोलता है देखो इतना ऐसा ऐसा, मैं बोलता हूँ सर मेरा कुछ नहीं है, मेरे को बहुत पसंद है, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, मैं हाँ में हाँ मिलाता हूँ एग्जैक्टली। आप जैसा फ्लैट नहीं होगा, फर्नीचर नहीं होगा, ये नहीं होगा, लोकेशन नहीं होगा, सब मैं सर मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा बजट ही इतना है, क्या करूँ मैं, नहीं तो मैं खरीद लेता। आप गलत नहीं बोल रहे हो, अब क्या है उसके पास चॉइस, मैंने बता दिया मेरे पास है ही नहीं पैसे। और हेलो विद दिस आई हैव डन, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में।